उच्च प्राथमिक विद्यालय जैतिया सदुल्लपुर ब्लॉक मुंडा पांडे जनपद मुरादाबाद। और आज हमारा टॉपिक रहेगा सौर मंडल, और इसके विषय में टीएलएम के माध्यम से बच्चों को बताया गया है। और आज ऑनलाइन टीचिंग के लिए भी इसको हम बताने जा रहे हैं। सौर मंडल, सौर मंडल के अंदर सबसे बड़ा सदस्य जो उसका कहलाता है सूर्य है, और उसके 8 ग्रह हैं। उसके साथ साथ जितने भी हमारे उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, धूल के कण हैं, इन सबको मिला के सौर मंडल बनता है। तो सौर मंडल के अंदर जो हमारा सूर्य है उसके जो 8 ग्रह हैं, तो उसको याद करने का तरीका क्या है। सबसे पास है बुध, अगर हम दिनों के हिसाब से चले सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, तो एक दिन छोड़ के बुध के बाद क्या आता है शुक्र। तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी जब आ गई तो हमारा आ गया मंगल, मंगल के एक दिन छोड़ के बृहस्पति यानी बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति के एक दिन छोड़ के शनि, शनिवार आता है यानी शनि ग्रह, उसके बाद अरुण वरुण। इस प्रकार से ये 8 हमारे उपग्रह हैं जिनको हमें याद करना होता है बच्चों को, और सभी ने याद करा है। अब हम जानेंगे सूर्य। सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है वो पृथ्वी से हमारा सूर्य। और जो सूर्य पे जो टेम्परेचर है वो वहां पे हीलियम और जो हाइड्रोजन गैस है उसकी वजह से सूर्य पर विस्फोट होते हैं, उनके मिलने से नाभिकीय संलयन के द्वारा, और नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा वहां पे ऊष्मा उत्पन्न होती है जो हमारी पृथ्वी या अन्य ग्रह तक जाती है। सूर्य जो है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, ये हमने जाना था सूर्य के विषय में। अब देखिए बुध ग्रह जो है ये भूरे रंग का होता है, और ये सबसे निकट का ग्रह है, किसके ग्रह, सूर्य के। और सबसे निकट का होने के कारण ये इसकी दूरी जो है वो मात्र 5.8 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से, किसकी, बुध की। और इसका जो व्यास है, क्योंकि सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का, इसका जो व्यास है वो मात्र 4,878 किलोमीटर है अपने अक्ष पर। ये अपने अक्ष पे जो अपने जैसे घूर्णन करते हैं, अपने अक्ष पे जो घूमता है ये, तो अपने अक्ष पे इसे घूमने के लिए 58.6 दिन लगते हैं। और ये पूरे सूर्य की जो परिक्रमा करता है, पूरा गोल घर चक्कर जो घूमता है इसका सूर्य का, इसे 88 दिन लगते हैं। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका जो टेम्परेचर है वो करीब दिन का 400 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब आते हैं हम सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को चमकता हुआ तारा भी कहते हैं, दिन का तारा भी कहते हैं, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के समान है बिल्कुल, क्योंकि पृथ्वी की जो इसका व्यास है, इसकी पहले सूर्य से जो दूरी है वो 10.8 करोड़ किलोमीटर है, और इसका जो व्यास है वो 12,104 किलोमीटर है। और अपने अक्ष पर ये चक्कर जो लगाता है इसे 243 दिन लगते हैं। लेकिन ये क्या करता है, जैसे दो ग्रह जो हमारे हैं शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, यानी कि वहां पे सूर्योदय जो होगा वो पश्चिम दिशा में होगा, किधर होगा, पश्चिम दिशा में। और इसका जो दिन का टेम्परेचर, गर्म ग्रह कहते हैं, इसका दिन का टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और जो इसके रात का टेम्परेचर इसका -117 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, -170 डिग्री सेल्सियस तक। अच्छा, अब हम बात करेंगे पृथ्वी, एकमात्र सौरमंडल का ग्रह है जिसपे जीवन है, और इसकी जो दूरी है सूर्य से वो करीब 14.96 करोड़ किलोमीटर यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर औसत मान लीजिए। इसका जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है, और अपने अक्ष पर इसे चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं, यानी 24 घंटे लगभग लगते हैं। और जो सूर्य की परिक्रमा करती है हमारी पृथ्वी, जो इसके चारों तरफ ऐसे घूमती है, परिक्रमा करती है दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर, तो इसे करीब 365.25 दिन लगते हैं। और इसका एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जो पृथ्वी से करीब 384,000 किलोमीटर दूर है, और इसका पृथ्वी का करीब 1/4 है ये, इसका जो व्यास है करीब। इसके बाद हम आते हैं मंगल ग्रह। आप देख सकते हैं चित्र में भी इसे लाल रंग का दिखाया गया है। मंगल ग्रह सूर्य से 21.7 करोड़ किलोमीटर दूर है, और इसका व्यास जो है वो 6,750 किलोमीटर है, और इसे अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे 37 मिनट लगते हैं। इसका लाल रंग जो है वो आयरन ऑक्साइड के द्वारा है, किसकी वजह से है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। और ये सूर्य की परिक्रमा जो करता है, तो इसे सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 687 दिन लगते हैं,
और इसके दो उपग्रह हैं जिनके नाम है फोबोस और डिमोस। जैसे हमारा उपग्रह है चंद्रमा, ऐसे ही इसके दो उपग्रह हैं, उनके नाम है फोबोस और डिमोस। इसके बाद हम आते हैं बृहस्पति ग्रह। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इस पर भी हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ये गैस के गोले की तरह है, गैस का गोला है एक, और इसका जो दूरी है सूर्य से 77.8 करोड़ किलोमीटर है। और इसका जो व्यास है, पृथ्वी का व्यास कितना है ना, 12,756 किलोमीटर, इसका व्यास कितना है 1,42,984 किलोमीटर। लेकिन ये क्या है, अपने अक्ष पर ये बहुत तेजी से घूमता है ग्रह। इसे अपने अक्ष पर घूमने में 9 घंटे 55 मिनट लगते हैं, जिसकी वजह से यहां पर हर समय तूफान आते हैं। क्या आते हैं? क्योंकि बहुत तेजी से घूमता है, 9 घंटे 55 मिनट में घूम जाता है, इतना बड़ा ग्रह होने पर भी। और इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 11.86 वर्ष यानी लगभग 12 वर्ष लग जाते हैं। और इसके जो ग्रह हैं, इसके उपग्रह हैं 69, सबसे ज्यादा उपग्रह हैं इसके। कितने हैं? 69, यानी कि 69 उपग्रह हैं। इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड। गैनीमीड वो सबसे बड़ा उपग्रह है सौर मंडल का। इसके बाद हम आते हैं शनि। शनि की सूर्य से दूरी 142.7 करोड़ किलोमीटर है। इसका जो व्यास है, क्योंकि ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ग्रह है, और इसका जो व्यास है 120,536 किलोमीटर है। और ये अपने अक्ष पर 10 घंटे 47 मिनट में घूमता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 29.46 वर्ष लग जाते हैं, 29.46 वर्ष लग जाते हैं। और इसके 62 उपग्रह हैं, और इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन, जो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इस पे बलय जैसी, 7 बलय जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जो बलय दिखाई दे रहे हैं, इसकी खोज गैलीलियो ने की थी। इसको सबसे पहले सर्वप्रथम खोजा था गैलीलियो ने। इसके बाद हमारा अरुण ग्रह आता है। अरुण ग्रह की जो दूरी है, क्योंकि ये दूरी बढ़ती जा रही है, ये दूरी करीब 287 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से अरुण ग्रह की। और इसका जो व्यास है पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है ये करीब। और इसका जो व्यास है वो 51,118 किलोमीटर है। और ये अपने अक्ष पर, ये 17 घंटे 14 मिनट में पूर्व से पश्चिम। बाकी ग्रह किधर से घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व। और ये किधर घूम रहा है? ये पूर्व से पश्चिम। तो इसका जो 3 गुना व्यास है, और इसे 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं, और ये सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है। कितने वर्ष में? 84। और इसके 27 उपग्रह हैं। जैसे हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, ऐसे इसके कितने उपग्रह हैं? 27। इसके बाद हम आते हैं वरुण। वरुण ग्रह पर ये हरे रंग का इसका वातावरण हमने दिखाया है, क्योंकि इस पर मिथेन की अधिकता होती है, मिथेन गैस की। और ये बहुत दूर है अरुण और वरुण, यहाँ पे बहुत टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, बहुत तापमान बहुत कम होता है। ये इसकी दूरी जो है सूर्य से 449.7 करोड़ किलोमीटर दूर है ये। और इसका जो व्यास है वो 49,528 किलोमीटर है इसका जो व्यास है। इस पे भी बलय जैसी संरचना पाई जाती है, और इसे अपने अक्ष पे घूमने में 16 घंटे लगते हैं। और सूर्य की